जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज प्रदेश में है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री, क्योंकि गृह मंत्री है, आज पूरी तौर पर उनका फेलियर सामने आता है कि वो विफल रहे पिछले 4.5 सालों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में, और पिछले एक महीने के अंदर प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मर्डर और उसके साथ साथ असॉल्ट जैसी घटनाएं बड़ी ना। हैरानी है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बारी बारी तथ्य और आंकड़ों की बात करते हैं, वो आज तक ये नहीं बता पाए कि एक कांग्रेस प्रवक्ता जो कि हमारे पुराने साथी रहे, उनके मर्डर के केस को छोड़ दे। उससे एक दिन पहले भी फरीदाबाद में एक एचआर मैनेजर को दिन दहाड़े मारा गया, आज तक उस केस के अंदर कोई सरकार ने गिरफ्तारी करी। बीजेपी के एक पदाधिकारी को करनाल जिले के अंदर गोलियों से मारा गया, अभी क्रिटिकल है, उस मामले में भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश के एक एक कोने के अंदर है। कोई सा अगर आप डिस्ट्रिक्ट का पुल आउट उठा लो तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां रेप, मर्डर, डकैती, लूट जैसी घटनाओं से अखबार भरा ना हो।